ठंड पड़े चाहे जितनी बरसात पड़े, यदि जीवंत तो पुरुष का समागम मिले तो चले जाना। इसलिए कह रहा हूँ ऑनलाइन से आज तक किसी को सम्यक दर्शन ना हुआ है और ना होगा, चाहे तुम घंटों टीवी चलाते रहो 24-24 घंटा, न इससे समाधि होगी। ये बिल्कुल भ्रम निकाल देना, हमारे घर में टीवी दिन भर चलाते रहे, हम प्रवचन सुनाते, प्रवचन नहीं सुनते आप पाप करते हो, खाते खाते सुनो, बैठे बैठे सुनो, टांग पसार के सुनो, बिना विनय के सम्यक तो नहीं होता, बिना विनय के ज्ञान नहीं होता। विनयम ददातु पात्रताम है सारा पाठ, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं मेरा बिल्कुल प्रेम नहीं, मैं कभी आज तक मैंने मोबाइल पर नहीं सुना, और जो तुम्हारी जो होती ना गोष्ठियाँ वोष्ठियाँ वो रोज मैं नहीं छोड़ पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता कि भाई बस की नहीं छोड़ेगी वहाँ में, हम अपना प्रैक्टिकल करें, अपना डिसीजन मेकिंग करें, अपनी लीनता करें कि वो माँ में समय खराब करें। बिल्कुल प्रेम मत करना, ग्वालियर का शिविर है, चाहे जितनी गर्मी पड़े, चाहे जितनी ठंड पड़े हो, चाहे जितनी बरसात पड़े, आप 18 दिन वहाँ जाओ, बहुत सिंचन मिलेगा आपको मोक्ष मार्ग का। आप अपने बच्चों को ये कह दो, बेटे तुझे कुल्लू मनाली जाने तो बाद में चलो जाइए, पहले इधर चलो जा। मैं ये घटना सुनाई देता हूँ आपको, बहुत प्यारी घटना है, बहुत प्यारी घटना है। एक श्वेतांबर परिवार, बहुत लंबी रामायण है, सुनाऊंगा तो आधा घंटा में तो रामायण ही सुनाऊंगा उसकी। एक श्वेतांबर परिवार, उनकी ग्रैंड मदर को, मैंने बहुत मदर को, बहुत बुजुर्ग महिला को फेफड़ों की टीबी हो गई, तो G3 हॉस्पिटल में भर्ती थी वे। श्वेतांबर, छत्तीसगढ़ की घटना है। स्वामी जी को पता लगा कि एक श्वेतांबर बहन कोई यहाँ बुजुर्ग है, वो साल भर के लिए भर्ती हुई है, बहुत लंबा इलाज चलता था, साल भर रही वो, तो गुरुदेव उसको मिलने के लिए संडे को गए। तो सबको लगता है महापुरुष पधारे, वो महिला अनपढ़ थी, अनपढ़ बिल्कुल। गुरुदेव ने मांगलिक किया और कहा भैया आत्मकल्याण करो, देह छूट जाए क्या पता, तुम्हारी टीवी है, स्वस्थ हो जाओ, अच्छी शुभकामनाएं, लेकिन धर्म में लगो, आत्मकल्याण में लगो। तो उसने पूछा कि आत्मा क्या होता है, 80-90 साल की महिला, आत्मा क्या होता है? तो उन्होंने कहा हम तुम्हें आत्मधर्म भेजेंगे, गुजराती आत्मधर्म भेज दिया। अब उसे तो ना वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गुजराती का समझे, तो फिर उसने सोचा पर फालतू तो बैठेंगे पलंग पे, तो उसने वो गुजराती की लिपि लिखना टेबल वो काब कहलाती है स्लेट पे सीखी, और साल भर में गुजराती पढ़ना सीख गई, लिखना सीख गई, और वो फिर आत्मधर्म पढ़ने लगी, और संयोग से गुरुदेव के इस सहयोग से वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। जब पूर्ण स्वस्थ हो गई तो सबने कहा घर चलो छत्तीसगढ़। बोली भैया हम तो मर ही गए थे, आज यदि हम जिंदा हैं तो किसी पुण्य पुरुष के प्रताप से जिंदा हैं, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं आत्मकल्याण करेंगे। उन्होंने कही तुम वहां चलो, तुम जो कहोगे हम करेंगे, श्वेतांबर थे। तो उसने कहा कि तुम हमें एक बिल्कुल गगनचुंबी शिखरबद्ध मंदिर बनाओ तो हम चलेंगे। तो उनके परिवार ने कहा हम शिखरबद्ध मंदिर बनाएंगे, जबकि वे श्वेतांबर स्थानक समाज के मुखिया थे, उस गांव में मुखिया थे। उन्होंने मुखियागिरी छोड़ दी और दिगंबर जैन मंदिर बनाया, आज की तारीख तक भी वहाँ पाठशाला चलती है, वो तो गुजर गई। उनके उनका एक बेटा, दो बेटियाँ सोनगढ़ में ब्रह्मचारिणी बहने हैं उन्हीं की, उन्हीं का एक लड़का स्मारक से पढ़ा है अनुभव, वो पढ़ा, अभी उनका बेटा संयम पढ़ रहा है शास्त्री। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ योग बन जाता है, जिसको अनपढ़ थी वो पढ़ने लगी, प्रवचन करने लगी, अपने मंदिर में स्वाध्याय चलाने लगी वो, और पूरा घर बदल गया। तो जिस बात पर से मुझे याद कहानी सुनानी थी ना वो सुनो पहले, अभी पूरी नहीं सुनाई। उस घर में किसी भी दिगंबर ने अपनी लड़की नहीं दी आज तक, तो उनकी शादी, संपन्न परिवार है, सराफे के बहुत बड़े व्यापारी हैं वो, तो श्वेतांबर वो अपनी लड़की दे देते उनको, श्वेतांबर ही है, दे देते। तो उनकी एक शर्त है कि
कि शादी के बाद हनीमून मनाने दुनिया में कहीं जाना हो चले जाना, लेकिन एक महीना सोनगढ़ जरूर जा। तो उनके घर में एक रिवाज हो गया शुरू से ही, बहू आएगी और बेटे के साथ एक महीने के लिए सोनगढ़ जरूर जाएगी, फिर जहाँ दुनिया में जाना जाओ। इसका ये फायदा हुआ कि नई नई बहू आती है और जाना सोनगढ़ है, वहाँ सारी बहनों के साथ सामूहिक पूजा स्वाध्याय है, एक महीना नानुकुर तो कर नहीं सकती नई नई बहू, और शर्त पहले थी, तो एक महीना वहाँ जाती है और श्वेतांबर से दिगंबर होके आती है। आज उनका पूरा घर दिगंबर है, सारी बहुएँ दिगंबर हैं, सबको स्वाध्याय की रुचि है और सारे बच्चे धर्म में लगे। क्यों कही ये बात, कहानी समझ में आ गई है आपको? आप अपने बच्चों को भी शर्त लगाओ, तुम्हें घूमना है 18 दिन के शिविर में जाओ, तुम्हें कपड़े बनवाना है शिविर में जाओ, तुम्हें मोबाइल चाहिए पहले शिविर में जाओ, तुम्हें फला चाहिए बाइक चाहिए उतर जाओ, हम नहीं दवाएंगे नहीं तो हमें पता देना तो है ही, वे तो ले लेंगे रो रो के, ले उनसे जे कहो 18 दिन वहाँ जाओ। आप सबके घर में भी क्रांति होगी होगी और होगी। 21 मई से 7 जून तक ग्वालियर के शिविर में हम फिर मिलेंगे, हमारा निमंत्रण आप स्वीकार करो, सब पधारो, आना फ्री नहीं, जाने नहीं, या नहीं। वह आवे जावे के पैसा तुम्हारे लगेंगे, रेवे के और भोजन के पैसा फ्री, और फिर यदि कोई तकलीफ हो, कोई गरीब बहन हो भाई हो परेशान हो, हम आने जाने का भी देंगे, चिंता नहीं करो, विश्व बंधुत्व इसी का नाम है, आप सब हमारे हो और हम भी आप सबके हैं, तो आप इस शिविर में जरूर पधारो। बोलो बेटे, हमारी बातें कम खत्म थोड़ी होती। बोला तो रहे।